500 करोड़ का चर्चित यूपी का एनआरएचएम घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व की मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार उर्फ अंटू मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। अनंत कुमार शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल तक तो पहुंचे लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए, यानी अंटू मिश्रा के साथ कुल मिलाकर खेला हो गया। अंटू मिश्रा बड़ी उम्मीदों के साथ लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, स्वागत में कुर्सी भी लग गई जहां उन्होंने खुशी खुशी फोटो भी खिंचवाई। बीजेपी में शामिल होने की औपचारिकता भर रह गई थी। बताया जा रहा कि अचानक एक फोन कॉल ने अनंत मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा की बीजेपी में शामिल होने के सपने पर पानी फेर दिया। खबरों की माने तो अंटू मिश्रा के पास फोन दिल्ली हाईकमान की तरफ से आया था, इसलिए अंटू मिश्रा की बीजेपी में ज्वाइनिंग एन वक्त पर रुक गई। पाठक जी, अनंत मिश्रा जी ज्वाइन करने आए लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अनंत मिश्रा जी ज्वाइन करने आए थे, अनंत मिश्रा जी ने नहीं ज्वाइन किया। पाठक जी, समारोह में बड़े बीजेपी नेताओं के आने से ठीक पहले वो यहाँ से चले गए। इस मामले में यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर ने बताया कि अंटू दिल्ली जाएंगे लेकिन दिल्ली में ज्वाइन करेंगे ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जबकि बीएसपी के एक और आपके एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए लेकिन अंटू मिश्रा की बीजेपी में ज्वाइनिंग स्थगित होने से सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें एनआरएचएम घोटाले में पेश की गई चार्जशीट पर गाजियाबाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश ने अंटू मिश्रा के साथ उनके माता पिता के एनबीडब्ल्यू भी जारी कर दिया था। सीबीआई ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा के खिलाफ गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में मंत्री के साथ ही उनके माता पिता विमला मिश्रा और दिनेश कुमार मिश्रा को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया था।